जरा सोचिए, एक भाई पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी जब उसकी बहन की सांसें टूटने के कगार पर हो, वो जिंदगी की आस में अपने भाई की तरफ टकटकी लगाए निहार रही हो, जैसे कह रही हो, भाई मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। भाई भी अपनी बहन को बचाने की खातिर तमाम कोशिशें कर रहा हो, लेकिन कानून से खिलवाड़ करने वाले जुर्म के वो रहनुमा कोई भी सबूत बाकी नहीं छोड़ना चाहते थे, जिन्होंने एक भाई से उसकी बहन को छीनकर जिंदा ही चिता पर लेटा दिया और मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। तड़पते भाई ने पुलिस को सूचना भी दी, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहन की सांसें आग की लपटों में सुलग कर स्वाहा हो चुकी थी। हालांकि धधकती आग से पुलिस ने चीता को निकाल कर अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। धधकती आग में पुलिस शायद कुछ तलाश रही है, मानो इनका कुछ खो गया हो, लेकिन नहीं, इनका कुछ खोया नहीं है, बल्कि ये उस किरण नाम की महिला को धधकती चिता से निकालने की कोशिश में है, जिसे उसके पति ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जिंदा जला दिया। जी हाँ, सही सुना आपने, जिंदा जला दिया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि किरण के उस चश्मदीद भाई तेलुराम का दावा है, जिसके हाथ से उसकी बहन को उस वक्त आरोपी छीन कर ले गए जब उसकी सांसें चल रही थी और उसे उपचार की बेहद जरूरत थी। हमने देखा लड़की की नब्ज चल रही है, हमने कहा भाई ये जिंदी है, तुरंत हॉस्पिटल लेके चलो। हमने कुछ पूछा नहीं, कुछ गिरा नहीं, सीधे उठाने की कोशिश की, प्रयास किया कि हॉस्पिटल में इसको दिखा लेंगे तो बच जाएगी, लेकिन उन्होंने हमें उठाने नहीं दी। हमने जबरदस्ती उठा करके गाड़ी की तरफ लेकर के गोद में जैसे चले, तो कुछ लोगों ने हमारे साथ मारपीट की, धक्का मुक्की की, मेरी माँ के साथ भी, मेरी पत्नी के साथ भी, मेरे पिताजी के साथ भी, जिस प्रकार की बदतमीजी करके इन लोगों ने लड़की को छीन करके ले गए और कह रहे इसको सबूत को खत्म कर दो। हरिद्वार के सिडकुल निवासी तेलुराम की माने तो करीब 24 साल पहले उसकी बहन किरण की शादी पुरकाजी के गोधना गांव निवासी विजयपाल के साथ हुई थी। विजयपाल नशे का आदि था, जिस कारण किरण ही मेहनत और मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। तेलुराम का ये भी आरोप है कि मंगलवार रात उसे खबर मिली थी कि विजयपाल ने मारपीट करने के साथ ही किरण को जहरीला पदार्थ खिला दिया है, जिसकी सूचना पर वो अपने परिजनों के साथ मौके पर आया। किरण की हालत बेहद नाजुक थी, सांसें रुक रुक कर चल रही थी, जिस पर उसने बहन को अस्पताल ले चलने को कहा, लेकिन आरोपी उसे अस्पताल ले जाने के बजाय शमशान घाट ले गए और जिंदा ही चिता पर लेटाकर आग लगा दी। हमारी बहन के साथ जो गोधना भी आई थी लगभग 23-24 साल पहले, किरण मेरी बहन का नाम किरण था, और उसका जो पति था वो अक्सर दारू पी करके नशा करके विजयपाल उसके साथ मारपीट किया करता था और उसको बचाने के लिए कोई आता भी नहीं था। लेकिन कल अजीब स्थिति ये हुई कि उसने मारपीट की, उसके पास जो दूध के पैसे या किसी भी तरह के रखे होंगे, मारपीट करके वो मांग रहा होगा, तो उसकी पिटाई ज्यादा कर दी। उसने कंप्लेंट करने की बात कही, तो जब वो कंप्लेन करने के नाम की बाहर निकली, जो जैसे कि बताया वहां बच्चे ने कि जब बाहर निकल रही थी तो उसने उसको पकड़ के खींच करके बच्चे को थप्पड़ मार के बाहर कर दिया और उसको अंदर खींच करके जबरदस्ती उसके मुंह में जो है कोई बोतल रखी होगी वहां पे किसी जहरीले पदार्थ की, वो उसके मुंह में ठूस दी। बहरहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने धधकती चिता की आग से अधजली लाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से समाचार टुडे के लिए सलीम सलमानी की रिपोर्ट।